एक काम करते हैं, ये जो मेहनत इतनी की थी ना मेरे दोस्त के लगाएंगे, एक निकाल देते हैं। अपने स्नोबोर्ड का काम चला हुआ है लेकिन मौसम आप देख सकते हो पूरा हो चुका है पैक। अभी ना हमटा से फोन आया मेरे को सुरेश भाई का, वो कहते हैं यार रहने दे कैंसिल कर दे क्योंकि मौसम पैक हो गया है और ऊपर पर बर्फ स्टार्ट हो गई है सेतन में। मतलब एक और स्नोबोर्ड भी था मेरे पास, उसमें ड्रैगन बना हुआ था। वीडियो की शुरुआत हो रही है आज की इनो के साथ। लंच करके निकला भी घर से ना, पेट में दर्द हो गया बुरे हाल से, तो इनो खाते हैं, पेट दर्द गायब करते हैं जल्दी से। और मैंने आपको बोला था ना हम स्नोबोर्डिंग करने वाले हैं अगले व्लॉग में, मतलब जाने वाले हैं, तो आज रात को निकलेंगे हम लोग सेतन स्टे के लिए। तो अभी जाके अपने स्नोबोर्ड को रेडी करते हैं, उससे पहले इनो खाते हैं। वैसे वेदर फोरकास्ट में ना कल से लेके मौसम खराब दिखाया हुआ है, ठीक है, बर्फ दिखाई हुई है मतलब, और हम लोगों ने कल ही जाना है स्नोबोर्डिंग करने के लिए। और खुद आप अंदाजा लगा लो हम लोग सेतन जा रहे हैं, वो भी सेतन की पीक में जाने वाले हैं, हम टॉप में डोम के पास, तो वहाँ तो ऑब्वियसली खराब होगा। अगर मनाली में हल्का सा भी मौसम खराब हो वहाँ तो जो बर्फ लग रही होगी, तो देखते हैं। वही है, बर्फ में बोर्डिंग तो हम कर लेंगे लेकिन शूट नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, फिर जितना अगर अच्छी धूप होगी फिर शूट हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर धूप तेज होगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा। हम हमेशा प्रेफर पता क्या करते थे कि जब हम ऊपर को चल रहे हो ना उस टाइम पे क्लाउड जो बादल हो, जब नीचे को आ रहे हो उस टाइम धूप हो, लेकिन ऐसा अपने जो हम सोचते हैं वो हमेशा हो नहीं सकता है ना। तो देखते हैं, अभी मौसम ऐसे ही है, बस आप देख सकते हो पैक ही मौसम, धूप उतनी तेज नहीं है, पैक ही मौसम है। बाकी अभी हम अमिताभ भाई चलते हैं और अपने जो स्नोबोर्ड है उसमें थोड़ी ग्राफिक करा के आते हैं। तो गाइस ये रहा अपना स्नोबोर्ड, अमित भाई के पास में आ गया। अमित भाई हाउ आर यू? फिर क्रेजी सा बनाएंगे हम इसको आज, चलो आज हम इसको मतलब इसका पूरा लुक चेंज करने वाले। सिंपल अभी आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है मेरा ये वाला बोर्ड, और तो इसको क्रेजी सा बनाते हैं। मतलब एक और स्नोबोर्ड भी था मेरे पास ना, उसमें ड्रैगन बना हुआ था लेकिन वो बहुत पुराना था, तो अब ये बोर्ड बढ़िया है, मतलब इसमें ना स्नोबोर्डिंग करने में काफी मजा आता, तो अभी इसको थोड़ा सा ग्राफिक कलर लगाते ताकि मजा तो आए थोड़ा। फ्रंट में तो हम लोगों ने ये स्टिकर लगा दिया है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पूरे में हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो अभी के लिए बाइंडिंग्स को खोल के रखते हैं बाद में, क्योंकि वैसे भी सेट करनी थी बाइंडिंग मेरे को ना, काफी टाइम से यूज नहीं किया बोर्ड मैंने ढंग से, तो सेट करनी घर जाकर करेंगे। अभी के लिए बाइंडिंग खोल देते हैं, और बाइंडिंग खोलने का ईजी चीज़ दिखाओ मैं क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बकल्स खोले, इसको ऊपर किया, और इसके नीचे की पैड होता है फुट रखने के लिए ना, इसको उठाना पड़ता है थोड़ा सा, इसको ना ऐसे उठा के निकालना पड़ता है, और ये देखो नीचे ये लगे हुए नट्स चार, इनको निकालना और बाहर, तीन ही लगे चार नहीं लगे, तीन नट लगे, इसको निकालना पड़ता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी गेम के बारे में जिसको खेल के कि आप लोग रोज के 2 से लेके 4,000 रुपए कमा सकते हो। तो जो इसमें मेरी फेवरेट गेम है ना वो है ड्रैगन वर्सेस टाइगर, और इस गेम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो एक बार आपको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि ये गेम कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो लिंक दिया हुआ है वो ओपन करके रजिस्टर करना है, अपना फोन नंबर डाल दो और फोन नंबर डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो, और इसमें आपको वेलकम बोनस मिलने वाला है 41 रुपीज, और उससे भी आप गेम खेल सकते हो। और इसमें जो मेरी खुद की फेवरेट गेम है वो है ड्रैगन वर्सेस टाइगर, तो एक बार मैं पैसे लगा देता हूँ, और इसमें मैं आप अपने अकॉर्डिंग मतलब पैसे लगा सकते हो 1,000, 2,000, 3,000, तो मैं लगाने वाला हूँ 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए मैं लगा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो आप। चलो तो ये देख सकते हो आप, मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था खेल के एक बार कि कैसे आप लोग भी अर्न कर सकते हो इसमें, ठीक है, गेम में। और इसमें बहुत सारी गेम्स है, आप कोई भी गेम इसमें से खेल सकते हो। तो एक और प्रोसेस बता देता हूँ आपको मैं कि विड्रॉ कैसे करते हैं। इसमें आप लोग अपना एक काम कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट विनिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब कुछ आ रहा है, डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर डालना है आपको यहाँ पे, साथ में UPI ID आपको डालनी है, और साथ में जितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है यहाँ पे डालना है आपको ये विनिंग अमाउंट। तो विड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी है, तो ये देख सकते हो आप मेरे अकाउंट में एकदम पैसे आ गए हैं, और काफी इंस्टेंटली ये पैसे आ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इनका, साथ में कमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो आप जाओ जाके खेलो और अपना लक आजमाओ। हम अपने बोर्ड में ना थोड़े से ग्राफिक्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतना वो मजा नहीं आ रहा क्योंकि इसका कलर ना रेड है, तो अभी अमित भाई के माइंड में एकदम आइडिया है कि एक काम करते हैं इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। तो जो अभी हमारा कलर है रेड, ठीक है, इसका मतलब इसमें स्टिकर्स ना अच्छे नहीं लग रहे, उतना दिख नहीं रहा है, तो अमित भाई कहते हैं इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। अमित भाई आइडिया अच्छा है लेकिन कलर डिसाइड करें, कलर डिसाइड करते हैं और बोर्ड का कलर करते हैं चेंज, चलो उसके बाद ग्राफिक। अरे काम करते हैं, ये जो मेहनत इतनी की थी ना मेरे दोस्त के लगाएंगे, एक निकाल देते हैं क्योंकि कलर चेंज करना है, उसके बाद फिर से देखते हैं, उसके बाद फिर से लगा देंगे, चलो मेहनत करनी पड़ती क्या करें। अभी हमने कलर डिसाइड नहीं किया कौन सा करना है, अमित भाई को मैंने बोला मैंने कहा जो आपकी चॉइस है मैं कर दूंगा। तेरा अभी स्नोबोर्ड का कलर कर दिया है हम लोगों ने चेंज, अब करते हैं इसके ऊपर ग्राफिक। बढ़िया बढ़िया, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा कुछ।
अपने स्नोबोर्ड का काम चला हुआ है, लेकिन मौसम आप देख सकते हो पूरा हो चुका है पैक। थोड़ी देर पहले धूप थी, धूप भी चली गई और पूरा पैक हो गया है। और आज इवनिंग से लेके मौसम खराब दिखाया और कल स्नोफॉल दिखाई है, मतलब मनाली में बारिश, ऊपर ऊपर पीक्स में स्नोफॉल पड़ेगी। तो हम लोगों ने तो पीक में ही जाना है, तो वही अभी मैं फोन करके डिसाइड करा था, अगर सेतन नहीं हो पाया इनके बस तो ट्राई करेंगे वहीं जाना है हमने। इनके अगर सेतन नहीं हो पाया फिर हम लोग जाने सोलांग, सोलांग से ऊपर फातपुर जाएंगे जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे फिर वहीं पे करेंगे। यार कोई बोल सकता है ये वही वाला बोर्ड है जो पहले आपको रेड कलर का दिखाया था? अमित भाई ने भाई बिल्कुल ही बदल दिया। कमेंट में बताना था कैसा लग रहा है, रेड उतना खास नहीं लग रहा था, ये कलर अच्छा लग रहा है। और ये कलर पता है कैसा है, ये ना एकदम दिखेगा बर्फ में ना एकदम दिखेगा, और रेडियम लगा हुआ है मतलब चमकेगा, अभी लाइट पड़ेगी अगर रात होगी कुछ भी होगा तो रेडियम चमकता है। बेसिकली इसको इस कलर में करने का रीजन ये था कि बर्फ में चमकना चाहिए और वीडियो और फोटोज में दिखना चाहिए, तो रेड कलर उतना हाईलाइट नहीं हो रहा था और वीडियो में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लाइव भी नहीं लग रहा था सच में अच्छा, बट ये कलर सही है, बढ़िया। टैलेंट तो है अमित भाई के अंदर यार, क्या बढ़िया बना दिया। देखो ना पहले मतलब सोचो हमने ये पूरी नीचे लेयर लगाई, नीचे वाला पहले साफ किया, फिर ये लेयर लगाई, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरे ग्राफिक्स बनाए, और ये देखो यहाँ बटन भी लिख दिया क्योंकि बटन के बोर्ड आते हैं ना, और ये बोर्ड भी बटन का ही है। प्रिपरेशन कल के लिए हो चुकी है, ठीक है, बाकी तो मैंने सुबह ही कर ली थी, बोर्ड ही था रेडी करने को वो मैंने कर लिया है। एंड डिसाइड कर रहे हैं अभी चलते हैं, मेरे एक दोस्तों मेरे साथ जाना है उनके पास चलते हैं और डिसाइड करते हैं कल का क्या करना है, क्योंकि मौसम का है मेन, ऐसे जाएंगे फायदा नहीं है, शूट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो फायदा नहीं ऐसे जाने का, आप लोगों को तो कॉन्टेंट पे तो अच्छा पहुंचाना है, तो उनके पास चल के डिसाइड करते हैं। मतलब अगर नहीं हो पाया वहाँ सेतन का फिर कल एक काम करेंगे, सोलांग ही निकल जाएंगे फातरो। अभी ना हामटा से फोन आया मेरे को सुरेश भाई का, वो कहते हैं यार रहने दे कैंसिल कर दे क्योंकि मौसम पैक हो गया है और ऊपर पर बर्फ स्टार्ट हो गई है सेतन में, तो फायदा बिल्कुल भी नहीं है, कहता ना कुछ नहीं कर पाएंगे हम अच्छे से, तो अगर परसों धूप होती है तो परसों चल पड़ेंगे, और कल का हम देख रहे सोलांग का प्लान कर रहे हैं स्नोबोर्डिंग करने का, दो तीन बंदे हैं पूछते हैं, सब रेडी होने चाहिए, अकेला किया जाऊंगा, सब रेडी होंगे फिर चलेंगे सारे, कल सोलांग ही चलते हैं। ऑफिस पहुंच गया अभी मैं, और अभी इसुजू लेके निकलना पड़ रहा है, थोड़ा सा काम है हम लोगों को, बाइक अपनी पड़ी हुई एक जगह ना वो लेके आनी है, और साथ में इसुजू भी काफी टाइम से लेके शूट पे लगी हुई थी, इसको तो शायद से हफ्ता हो गया, और शूटिंग में देखो क्या करते हो, लाइट ने अपनी पूरी येलो कर दी, इस साइड भी नीचे वाली फॉग लैंप भी येलो कर दी है, जबकि इसके कवर भी पड़े थे फिर भी येलो कर दी, और स्टिकर सारे उतार दिए, फ्रंटो में क्या किया था उन्होंने स्टिकर छुपाए थे सारे, लेकिन इसको तो निकाल ही दिया जितने भी स्टिकर थे, बिना स्टिकर के हुई है। लेकिन एक काम अच्छा कर दिया, बताया क्या शूट पे दिखाऊं, ये देखो पीछे रस्सी लगाई, ये अच्छी लग रही है, और साथ में मैट डाल दिए पीछे, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। चलो जी चलते हैं, बाइक लेने आए थे अपनी हम लोग ना, यहाँ पे एक बाइक थी अपनी पड़ी हुई, वो लेके हम लोग जा रहे हैं अब घर को, और अभी घर से ऑर्डर भी आ गया सामान का कि सामान लेके आ जा, और मौसम ना थोड़ा पैक सा ही है, और हमने कल मतलब पैकिंग करके रखी हुई है कल के लिए, तो कल पे छोड़ दिया, अब सुबह अगर मौसम लगा हमको साफ है निकल जाएंगे हम लोग, मतलब बंदे अपने रेडी बैठे, वो कहते एक काम करते हम लोग रेडी बैठते हैं, अगर मौसम सुबह साफ हुआ तो निकल जाएंगे, अदरवाइज फिर परसों के लिए हम लोग कर लेंगे अपना जो प्लान है वो। ऑफिस पहुंच गए हैं, घर से सामान मंगाया था बहुत सारा क्योंकि आज बनने वाला है फ्रूट कस्टर्ड, बहुत टाइम से लेके मेरा भी मन कर रहा था, और आज मेरी बहन ने मेरी मुंह की बात छीन ली, मतलब मैं काफी टाइम सोच भी रहा था ये चीज़ में कि फ्रूट कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है, आज खुद ही बोलती यार एक काम कर ये सामान लेके, मैंने कहा क्यों, कहते फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, मैंने कहा बस मेरी दिल की बात छीन ली, मेरा काफी टाइम से बन था खाने का। बाकी मौसम अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है मौसम उतना खराब नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कल सुबह जा सकते हैं स्नोबोर्डिंग करने के लिए, तैयारी करके रख दूंगा, सुबह फिर हम 6-7 बजे उठ के निकल जाएंगे, 6-7 बजे उठ के पहले देख लेंगे मौसम कैसा है बाहर, बाकी काम करते जल्दी से घर चलते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, रेस्ट करते हैं, और कल सुबह मिलते हैं आपको।